कैसे स्कूल चले अभियान चल रहा है विदिशा जिले के सिरोंज तहसील में। रुसला एक ग्राम ऐसा है जो लगभग 4 साल से स्कूल की जगह एक घर में दिलान में संचालित हो रहा है स्कूल। ग्रामीण बताते हैं कि हमने स्कूल की बिल्डिंग के लिए हर स्तर पर शिकायत भी की थी, लेकिन अभी तक स्कूल नहीं लग बना है। वही पुरानी बिल्डिंग में ही है जो वह भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और वह कभी भी गिर सकती है। इस हादसे के डर से स्कूल दलहन में लग रहा है और जहां पर सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है शिक्षा के ऊपर, तो वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत ही खराब स्थिति में स्कूल चल रहा है। स्कूल के शिक्षक राजकुमार शर्मा बता रहे हैं कि 4 साल से स्कूल इसी तरह से चल रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि उनके बच्चों को शिक्षा अच्छे से नहीं मिल पा रही, उनका भविष्य खराब हो रहा है। वह शासन से मांग करते हैं कि स्कूल की नई बिल्डिंग बनवाई जाए, इससे कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। स्कूल की बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें स्कूल नहीं लगता, नई बिल्डिंग की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। उनका कहना है कि कभी भी बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिलता है तो रोज मध्यान्ह भोजन भी नहीं मिलता। ग्रामीण बता रहे हैं कि स्कूल की जमीन पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण भी कर लिया है। विष्णु दांगी की सिरोंज से यह खास रिपोर्ट।